अलैकुम, कैसे आप सब लोग? होप आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बनेंगे ये कटलेट्स। तो आप देख चुके बनाना कटलेट्स कैसा बनाना, मैं ऑलरेडी बनाया। तो अभी हम पराठा रोल बनेंगे। इसके लिए हमें चाहिए पराठे, आप जितने पराठे ले सकते हैं उतने लीजिए, या फिर फुलका भी ले सकते हैं आप। जैसे पराठा चाहिए हमें, थोड़े से वेजेस अगर आपको पसंद है तो वेजेस ले लीजिए, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम। अगर आपके पास कुछ चटनी है आपके पास अवेलेबल तो आप चटनीज़ भी ले सकते हैं, या मेयोनीज़ ले सकते हैं, या केचप ले सकते हैं। बट मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ अभी केचप, वो कुछ भी। जस्ट अभी एक कबाब में प्लेस कर दूँगा, स्टिक्स निकाल दूँगा बीच में के। देखिए अभी हम कबाब रख दिया बीच में, थोड़े से आप वेजेस में नमक डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा चाट मसाला डालिए अगर आप खाते तो, जितने चाहिए उतने। फ्रैंकी रोल बन जाता। ऊपर से थोड़ा सा मायो और थोड़ा सा केचप डालिए। अभी मेरे पास मायो नहीं है तो मैं जस्ट केचप डालूँगा। बस खलास, इजी और सिंपल रोल रेडी है। मैं फोल्ड करके बताऊँगा आपको। देखिए चुटकियों में बन गया आपका पराठा रोल। क्या बोलते हैं इसको, आप लोग को जो भी नाम देना चाहिए दे सकते हैं। आप ये शर्मा की चीज़ एंजॉय कर सकते हैं, या पराठा रोल्स। देखिए रॉ बनाना कटलेट पराठा रोल है ये, या रॉ बनाना शामी कबाब पराठा रोल। इतने बड़े बड़े नेम्स भी दे सकते हैं आप, कोई गार्निश की ज़रूरत नहीं है इसको, कुछ नहीं। जस्ट इस तरह से खा लीजिएगा, टमी भी फुल हो जाता है माशाल्लाह से, एक ही रोटी में बस हो जाता। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रेसिपी है। तो ईजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, सॉरी फॉलो नहीं, टिकटॉक की आदत हो गई, सॉरी, सब्सक्राइब करिएगा। एंड प्लीज़ 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 कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहिएगा फ्लेवर्स ऑफ डेक्कन। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।